हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूअर क्लासेस। ट्यूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। आज आपके लिए जो द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूं, ये एडिटोरियल WHO की रिपोर्ट आई है उसका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझिए। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, और जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं CGL के लिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी डिस्क्रिप्टिव का पेपर होने वाला है, तो हो सकता है इसके कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ पर मेंशन करने को मिल जाए। ओके, तो आइए देखते हैं और इसमें जो ग्रामेटिकल पॉइंट्स होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर मिलेंगे। तो जो टॉपिक था उसकी हेडिंग है क्या, कॉल टू एक्शन, मतलब कार्य करने का आह्वान करना, मतलब कहने का कि अब आपके एक्शन का टाइम आ गया है। कॉल टू एक्शन, तो प्लीज एक्शन लेने का मतलब अपने किसी भी मुद्दे पर काम करने का आप क्या करें, संज्ञान लीजिए, ध्यान दीजिए। तो वो है, अब किस पर है आखिर पढ़ेंगे एडिटोरियल फिर समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हु हाईलाइट्स, हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाईलाइट्स उजागर किए हैं, खुलासा किया है किस चीज का, द एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का, वायु प्रदूषण क्रिसिस मतलब संकट का, वायु प्रदूषण संकट का हु ने हाईलाइट किया है, उजागर किया है क्या, इन अर्बन इंडिया मतलब शहरी भारत में, शहरी भारत में वायु प्रदूषण को हु ने मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, उजागर किया है, कहा है थिंग्स आर नो बेटर इन रूरल एरियाज। लेकिन इसने तो अर्बन इंडिया में किया है, लेकिन वास्तव में है क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो चीजें हैं बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आइए एडिटोरियल पढ़ते हैं और समझते हैं विधिवत रूप से कि कैसे क्या इसका सेंस है, क्या इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप पढ़ेंगे आपको बहुत इंटरेस्टेड लगने वाला है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ न्यू रिपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक नई रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आई है, हाईलाइट्स वो उजागर करती है नॉट ओनली, ना सिर्फ क्या, हाउ वाइड स्प्रेड एयर पॉल्यूशन इज इन अर्बन इंडिया, कि शहरी भारत में वायु प्रदूषण कितना है, सिर्फ इतना ही नहीं उजागर करती है, बट आल्सो बल्कि क्या करती है, हाउ डिफिशिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इज, बल्कि वायु की गुणवत्ता की जो निगरानी की जा रही है उसमें कितनी, वो कितनी बेकार है, उसमें कितनी कमी है, इसको भी उजागर करती है। ठीक है, तो ये तो आपने यहाँ तक मीनिंग समझ लिया कि जो नई रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वो सिर्फ ये नहीं बताती कि शहर में वायु प्रदूषण कितना है, किस मात्रा में, बल्कि ये भी बता रही है कि एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग है, जो एयर वायु की गुणवत्ता की निगरानी करने वाला सिस्टम है वो कितना बेकार है, वो कितना कम है, वो भी पूरा स्टेट कर देती है, वो भी बता देती है। तो ये तो मीनिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर नॉट ओनली के बाद क्या आया है, हाउ आया है कि नहीं आया, तो यहाँ पर बट आल्सो के बाद भी हाउ आना चाहिए, तो बट आल्सो के बाद भी हाउ आया है। यही होता है जब स्पॉटिंग एरर बनता है, तो बट आल्सो के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वही पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद भी होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होते हैं। बट आल्सो के बाद अगर प्रीपोजिशन है तो इसके बाद भी वही सेम प्रीपोजिशन आएगा। यहाँ वर्ब की फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब की फॉर्म आती है, यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट, इस तरह फॉलो किया जाता है ना। यहाँ नाउन है तो नाउन, यहाँ प्रोनाउन है तो फिर यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन, इस तरह करके मतलब दुनिया भर की चीजें होती हैं तो ये सब फॉलो करना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पर भी अप्लाइड है, तो आप इसे ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। द रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट, विच समराइज 2016 डाटा फॉर 4300 सिटीज, मतलब ऐसी रिपोर्ट जिसने 2016 का डाटा समराइज किया है, उसे एक संदर्भ में बताया है किस लिए, और उसमें है कि डाटा किस चीज का है, 4300 सिटीज, 4300 शहरों का डाटा है, और उसमें क्या है, रैंक्स। अब ये रैंक्स किसके लिए आया, रिपोर्ट के लिए, कामा से इंफॉर्मेशन डाल दी और रैंक के लिए वर्ब आई। द रिपोर्ट रैंक्स 14 इंडियन सिटीज अमंग द 20 मोस्ट पॉल्यूटेड वंस ग्लोबली, मींस कहने का कि जो रिपोर्ट है उसने रैंक दी है, स्थान दिया है 14 भारतीय शहरों को, इंडियन सिटीज 14 भारतीय शहरों को स्थान दिया है, किसके बीच में, अमंग द 20 मोस्ट पॉल्यूटेड वंस ग्लोबली, जो 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित, विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित जो 20 शहर है उनमें से 14 सिटीज भारत की हैं जिन्हें की स्थान मिला है। देखिए एमएम प्रीपोजिशन आया क्यों, क्योंकि मोर देन वन है, टू है ना, इसलिए अमंग आया, 14 है तो सीधी सी बात है अमंग आएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो वही चीज यहाँ पर ये रिपोर्ट के लिए रैंक आ गया, तो ये आपने समझ लिया कि भारत के 14 शहरों को क्या मिला, स्थान मिला है
20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में, मतलब 14 तो भारत की ही है, बाकी और कौन है। व्हाइल इंडिया कम्स इन एट नंबर 6, जबकि दिल्ली को कहां 6वें नंबर पे स्थान मिला है, कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, गया एंड पटना, ये पांच शहर और हैं आर रैंक अहेड ऑफ इट, वो तो दिल्ली के भी पहले हैं। मींस कहने का कि इन पांचों को अहेड ऑफ दिल्ली के पहले स्थान मिला है और 6वें नंबर पे दिल्ली है बाय PM2.5 लेवल। और प्रदूषण कितना है इसमें, PM2.5 लेवल का। अब देखिए प्रदूषण, ये PM2.5 क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं पहले। तो PM2.5 आप इसे यहाँ जान लीजिए, PM2.5 एंड PM10 क्या होता है, तो यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में इसे लिखा है तो समझ लीजिए। इसे पार्टिकुलेट मैटर, पीएम का फुल नेम होता है पार्टिकुलेट मैटर, ये प्रकार का प्रदूषण मापने का वो क्वांटिटी होता है, कह सकते हैं आप यूनिट कह सकते हैं इसे। पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन कैन काज इरिटेशन, और ये करता क्या, ये इरिटेशन करता है, चिड़चिड़ापन होता है किसको, ऑफ द आइज, आंखों में, नोज, नाक में, थ्रॉट, गले में, एंड कफिंग, और खांसी आती है, कफ आता है, चेस्ट टाइटनेस, सीना टाइट हो जाता है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है, रिड्यूस्ड लंग फंक्शन, फेफड़े का काम करना कम कर देते हैं, है ना, इरेगुलर हार्ट बीट, और दिल की धड़कन कभी तेज कभी धीमी होती है, इरेगुलर होती है ना, अस्थमा अटैक, अस्थमा के अटैक आने के चांसेस होते हैं, है ना, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, एंड प्रीमेच्योर डेथ, समय से पहले मृत्यु हो जाती है इन पीपल, कुछ लोगों में, कैसे, विद हार्ट एंड लंग डिसीजेज, दिल की बीमारी से या फिर फेफड़ों की बीमारी से समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे काजेस PM2.5 एंड PM10 से होते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकुलेट मैटर होता है एक प्रकार का पॉल्यूशन मीजरिंग यूनिट टाइप का, आप समझ सकते हैं, ठीक है, एक पैमाना है एक तरह से, तो वही है PM2.5 लेवल से, ठीक है। एंड येट, अब आगे हम पढ़ते हैं, फिर से एडिटोरियल में आते हैं, तो एंड येट, फिर से एंड येट, ये भले ही यदि फिर भी कानपुर, फरीदाबाद एंड सेवरल अदर पॉल्यूशन चोक्ड सिटीज, कानपुर हो गया, फरीदाबाद हो गया, और अन्य जो पॉल्यूशन से चोक्ड पूरी तरह भरी हुई शहर हैं, हैव ओनली वन PM2.5 मॉनिटरिंग सिस्टम, इनके पास केवल एक PM2.5 का मॉनिटरिंग सिस्टम है, व्हाइल दिल्ली, लेकिन जबकि दिल्ली के पास क्या है, हैज सेवरल, दिल्ली के पास तो कई सारे हैं, है ना, इनके पास सिर्फ एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। हु रिसर्चर्स, जो हु के रिसर्चर्स हैं, गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, वो इस समस्या, प्रदूषण की इतनी भयंकर प्रॉब्लम इंडिया में चल रही है या अदर कंट्रीज में चल रही है, यहाँ तक पहुँचे कैसे, गेट अराउंड दिस पोजिशन, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या तक पहुँचे बाय यूजिंग अल्टरनेटिव डाटा सोर्सेज, उन्होंने कैसे, किसका प्रयोग करके, यूजिंग अल्टरनेटिव डाटा सोर्सेज, मतलब वैकल्पिक आंकड़ों के स्रोत, आंकड़ों से स्रोतों को, विभिन्न स्रोतों से आंकड़ों को निकाल करके वैकल्पिक तरीके से, सच एज जैसे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया, एंड केमिकल ट्रांसपोर्ट मॉडल्स, केमिकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, अलॉन्ग विथ, और साथ में ग्राउंड मॉनिटरिंग स्टेशन, जमीन के अंदर निगरानी करने वाले स्टेशन, उनकी हेल्प लेकर के ये क्या है, इस प्रॉब्लम तक पहुँचे, ठीक है, कितना वर्क किया बताइए हु के रिसर्चर्स ने, है ना। द आउटकम ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस सारे क्रियाकलाप का जो आउटकम माने रिजल्ट होता है, ठीक है, आउटकम एसएससी में बार बार पूछा गया है ये साइनोनिम्स एंटोनिम्स में, तो आउटकम मतलब रिजल्ट होता है। आउटकम ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस क्रियाकलाप का जो भी परिणाम निकला, मेक्स इट क्लियर, वो ये स्पष्ट कर देता है दैट एयर पॉल्यूशन इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ लार्ज मेट्रोपोलिसेस एलोन, मतलब कहने का जो वायु प्रदूषण है इज नॉट ए प्रॉब्लम, वो सिर्फ समस्या नहीं है ऑफ ए लार्ज मेट्रोपोलिसेस एलोन, केवल बड़े बड़े शहरों की, जो मेट्रोपोलिस सिटीज हैं उन केवल बड़े शहरों की समस्या नहीं है, इवन दो यद्यपि दे हैव ट्रेडिशनली बीन द फोकस ऑफ मिटिगेशन इफर्ट्स, कम होते हुए प्रयासों का, ये शहर भले ही लगातार मतलब ये केंद्र बनते रहे कि हाँ प्रदूषण कम हो रहा है या प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका हमेशा सेंटर बने रहे हैं ये सारे बड़े बड़े शहर, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है बल्कि और इसके और कई स्तर है। आगे देखते हैं हम, सच वाइड वेरिएशन इन डाटा, इतनी बड़ी मात्रा में आंकड़ों में अंतर, डाटा क्वालिटी मतलब इन आंकड़ों में जो इतनी बड़ी मात्रा में अंतर है, एग्जिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में मिलता है, मीन्स कहने का कि कोई रैंक फिफ्थ में, कोई फर्स्ट में है, ये जो वेरिएशन है पॉल्यूशन कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ये पूरी दुनिया में इसी तरह पाया गया है ना। वाइल यूरोप हैज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग नेटवर्क, जबकि यूरोप के पास क्या है, मोस्ट एक्सटेंसिव, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का मॉनिटरिंग सिस्टम है, निगरानी करने वाला नेटवर्क है उसके पास। तो कंट्रीज इन अफ्रीका, तो वहीं पर क्या, अफ्रीका के देश एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन,
और कुछ पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं परफॉर्म पुअरली। उन्होंने क्या किया है, बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है। यूरोप में तो बहुत अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम है, लेकिन अफ्रीका में आप देखेंगे, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में देखेंगे, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। दिस मीन्स डाटा फ्रॉम, आगे देखिए, दिस मीन्स डाटा फ्रॉम दीज रीजन्स, मीन्स कहने का इसका मतलब क्या है, डाटा फ्रॉम दीज रीजन्स, इन क्षेत्रों से जो डाटा मिल रहा है आर ऑफ पुअर क्वालिटी, वो बुरी गुणवत्ता का है, मतलब वो डाटा बेकार है, मतलब वो उसकी जो डाटे से स्थिति समझ में आती है रीजन्स की, बहुत बेकार स्थिति समझ में आती है। एंड और लाइकली अंडर एस्टिमेट्स, और हल्का सा नज़रअंदाज करने वाला है, मतलब कहने का वो जो डाटा मिलता है इसका लोग फॉलो नहीं करते, मानते नहीं है, और उसे नज़रअंदाज करते हैं, रिजल्टिंग इन, जिसका परिणाम क्या होता है, एंड अंडर काउंट ऑफ द डिसीज बर्डन एज वेल, मतलब कहने का जो बीमारियों का बोझ होता है वो भी अंडर काउंट हो जाता है, मीन्स कहने का वास्तव में जो बीमारियां हैं उससे कम आंकी जाती हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होती नहीं है, लेकिन जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग भी सही से नहीं हो पाती है, और जो वास्तव में जितनी बीमारियां हैं उससे कम ये काउंट होती हैं, ठीक है। द रिपोर्ट पुट्स द ग्लोबल डेथ टोल फ्रॉम एयर पॉल्यूशन एट 7 मिलियन अ ईयर, जो रिपोर्ट पुट्स द ग्लोबल डेथ टोल, मतलब ये जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट से पता लगता है कि ग्लोबल डेथ टोल, मतलब पूरे विश्व में अगर मृतकों की संख्या देखी जाए, डेथ टोल मतलब मृतकों की संख्या फ्रॉम एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण से देखी जाए, वायु प्रदूषण से अगर पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबल में डेथ मृतकों की संख्या देखी जाए तो कितनी है, एट 7 मिलियन अ ईयर, वो एक साल में 7 मिलियन हो गए, एक साल में 7 मिलियन, मतलब 70 लाख लोग जो है एयर पॉल्यूशन से मर जाते हैं पूरी दुनिया में, है ना। एट्रीब्यूटेबल, जिसे जोड़ा जा सकता है, एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है जिसे जोड़ा जा सकता है, संबंध रूप में देखा जा सकता है, टू इलनेस, ऐसी बीमारियों से, सच एज, जिनका नाम क्या है, लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर हो गया, निमोनिया हो गया, इस्कीमिक हो, हार्ट डिजीज हो गया, इन सारी बीमारियों से जोड़कर देखा जा सकता है, जिनके कारण जो क्या है, एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन के कारण लगभग 7 मिलियन पर्सन पर ईयर जो होते हैं ये डेथ हो जाती है इनकी। इन 2016 अलोन, केवल 2016 की ही बात कर ले हम, इट सेज, मतलब रिपोर्ट का कहना है कि अगर हम सिर्फ 2016 की ही बात कर लें तो अराउंड 4.2 मिलियन पीपल डाइड ओविंग टू आउटडोर एयर पॉल्यूशन, 4.2 मिलियन लोग जो हैं वो मर गए थे ओविंग टू, किस कारण से, ओविंग टू मींस बिकॉज ऑफ, कि के कारण से, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ, ओविंग टू, ड्यू टू, इस तरह करके, ओविंग टू आउटडोर एयर पॉल्यूशन, मतलब घर के बाहर जो एयर पॉल्यूशन है उससे ही 4.2 मिलियन लोग 2016 में अकेले मर गए थे, ठीक है। एंड 3.8 मिलियन पीपल सकम्ब टू डर्टी कुकिंग फ्यूल्स, और गंदे कुकिंग फ्यूल मतलब खाना बनाने का जो ईंधन है उससे मर गए थे कितने लोग, 3.8 मिलियन पर्सन। जैसे अब ये गंदा ईंधन कौन सा है, जैसे कि लकड़ी हो गया, या काव डंग, गोबर हो गया, गाय कंडा जिसे कहते हैं देहात में, तो उसे क्या बोलते हैं, गुड़ और काव डंग से जो इस फ्यूल से जो खाना बनाया जाता है चूल्हे में, उससे भी कितने, 3.8 मिलियन पर्सन की डेथ हुई है। अबाउट ए थर्ड ऑफ दीज डेथ, अगर इन सभी मृतकों का देखा जाए, इन सभी मृत्युओं का, तो इन सभी डेथ्स में का 1/3 पर्सन क्या है, 1/3 ऑफ दीज डेथ ऑकर्ड इन साउथ एशियन कंट्रीज, वो क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के हैं, 1/3 तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का है जो लोग मरे हैं, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है इंडिया, भारत भी शामिल है जिसमें, ठीक है। वंस मॉनिटरिंग इंप्रूव्स इन दीज रीजन, एक बार अगर निगरानी इन क्षेत्रों में सुधार दी जाए, अच्छे से निगरानी कर दी जाए, द नंबर विल लाइकली बी रिवाइज अपवर्ड, तो जो संख्या हमने बताई है कि इतने इतने लोग मर रहे हैं, रिवाइज अपवर्ड, वो रिवाइज होकर के हो सकता है कि और ऊपर पहुंच जाए हकीकत में, क्योंकि कुछ और है, आंकड़े तो बहुत कम के ही आते हैं, है ना, तो ये चीज इन्होंने बताई है। आगे देखते हैं, देयर आर सिल्वर लाइनिंग्स हाउएवर, फिर भी सिल्वर लाइनिंग्स मतलब होता है आशा की किरण, फिर भी यहाँ आशा की कुछ किरण है, कैसे, द रिपोर्ट हैड, आगे देखते हैं, द रिपोर्ट हैड वर्ड्स ऑफ प्रेज, क्यों आशा की किरण दिख रही है, क्योंकि द रिपोर्ट हैड वर्ड्स ऑफ प्रेज, इस रिपोर्ट में कुछ प्रशंसा के शब्द हैं, किसके लिए, फॉर इंडियाज प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना स्कीम, भारत में चलने वाली जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम है इसके लिए रिपोर्ट ने कुछ प्रशंसा के शब्द कहे हैं। अब क्यों कहे हैं, विच हैज प्रोवाइडेड, मतलब ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम जो है इसने प्रोवाइडेड मतलब उपलब्ध कराया है कितने, 37 मिलियन वुमेन, 37 मिलियन महिलाओं को लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, और ऐसी महिलाएं जो कि
पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा के नीचे रह रही हैं, मतलब गरीबी रेखा के नीचे के स्तर की हैं, विथ उनको किससे उपलब्ध कराया है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड की स्पेलिंग आप देखिए लिक्विफाइड, तो ये स्पेलिंग का करेक्शन बन सकता है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उपलब्ध कराई है, इसके कनेक्शंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक मीनिंग हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ आप रुकेंगे, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको हाईलाइट कर दूं। वर्ड ऑफ प्रेज प्रशंसा के शब्द, ठीक है, ये हो गया। किसके लिए, फॉर समबडी, तो सीधी सी बात है, प्रेज फॉर समबडी होता है किसी चीज के लिए प्रशंसा, किसी व्यक्ति के लिए प्रशंसा, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए प्रशंसा, तो फॉर प्रीपोजिशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रोवाइड होता है, प्रोवाइड का प्रीपोजिशन विथ होता है, तो प्रोवाइड किसको, समबडी, तो 30 मिलियन वुमेन को, ठीक है, और किससे, प्रोवाइड समबडी विथ समथिंग, तो विथ एलपीजी, प्रोवाइड वुमेन विथ एलपीजी, तो आपको समझ में आया, प्रोवाइड का प्रीपोजिशन विथ होता है, प्रोवाइड समबडी विथ समथिंग, तो प्रोवाइड के बाद प्रीपोजिशन विथ जो आया, अगर यहीं पे फॉर एलपीजी हो गया या फिर टू एलपीजी कनेक्शन कर दिया तो गलत हो गया ना, आपको ये मिलाना पड़ेगा, प्रोवाइड आया है, समबडी आया है, तो फिर विथ समथिंग, कोई चीज अगर प्रोवाइड करा रहे हो आप तो विथ प्रीपोजिशन आता है, नो अदर प्रीपोजिशन कैन बी रिप्लेस्ड हियर, ओके, तो आपको यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन ही लेना पड़ेगा। लिक्विफाइड की स्पेलिंग आपको लिक्विफाइड की स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी, है ना, तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी। आगे फिर पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, सच स्कीम्स, इस प्रकार की योजनाएं विल आल्सो हेल्प, सहायता करेंगी किस चीज में, कट द एयर पॉल्यूशन, कट द इंडोर एयर पॉल्यूशन, घर के अंदर की एयर पॉल्यूशन को कम करने में, समाप्त करने में भी क्या मदद करेगी इस प्रकार की योजना है। तो जैसे कि अब एलपीजी गैस प्रोवाइड करा रहे तो भाई चूल्हे में खाना नहीं बनेगा, है ना, तो काउ डंग और वुड का यूज नहीं होगा, तो जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है वो क्या होगा, काफी हद तक रुकेगा, जहां पर यूज होगा एलपीजी वहां पर एयर पॉल्यूशन इंडोर में नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा, कट द, अब देखो हेल्प कट द इंडोर एयर पॉल्यूशन, दैट इंडोर एयर पॉल्यूशन कैसा, दैट प्लेग्स मच ऑफ द रूरल इंडिया, जो कि बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं भारत के वहां पर क्या करता है, बीमारियां फैलाता है, विच इज नॉट कवर्ड इन द WHO एनालिसिस, जो कि WHO की एनालिसिस, WHO के विश्लेषण में कवर ही नहीं है भाई, वो शहर का आंकड़ा दे देते हैं लेकिन अब गांव का थोड़ी ना देंगे, गांव में तो कोई बताता तक नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, है ना, सोचते हैं जैसे घर में पता करने आए हैं, जासूसी करने आए हैं, तो कोई जानबूझ के नहीं बताता, जो अमीर है वो भी भिखारी बनने की कोशिश करते हैं वहां पर, है ना, तो ये सब चीज, तो आंकड़े उनके WHO की एनालिसिस में है ही नहीं, तो वास्तव में इसीलिए कहते हैं इंडिया की स्थिति भले ही चाहे इतनी अच्छी दिख रही हो, वास्तव में स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है जब असली आंकड़े समझ में आएंगे, है ना। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर, ये याद रखना बहुत जरूरी है, दैट रूरल इंडिया हैज प्रॉब्लम्स बियॉन्ड इनफिशियंट कुक स्टोव्स, कि जो रूरल इंडिया ग्रामीण भारत हैज प्रॉब्लम्स, उसके पास समस्याएं हैं बियॉन्ड इनफिशियंट कुक स्टोव, अकुशल कुक स्टोव, जो खाना बनाने का स्टोव है वो अकुशलता वाला, उससे भी परे बहुत सारी समस्याएं हैं। इनफिशियंट मतलब होता है अकुशल, मींस कहने का जो कि अच्छा ना हो, तो कुक स्टोव जो खाना बनाने के लिए अगर स्टोव का यूज करते हो कितना सारा पॉल्यूशन होता है ना, तो वो उतना अच्छा स्टोव है नहीं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम इनफिशियंट, वो असक्षम मतलब अकुशल है, एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कहने का मतलब इनके ये है कि रूरल इंडिया में चाहे इतना अच्छा बताए, प्रॉब्लम्स बियॉन्ड है, वास्तव में जितने प्रॉब्लम गिना रहे हैं उससे बियॉन्ड प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा है। एज द रिसेंटली पब्लिश्ड ड्राफ्ट, हाल ही का जो प्रकाशित ड्राफ्ट प्रारूप है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का नोटेड, उसमें क्या बताया गया, देयर आर करेंटली नो एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन इन रूरल इंडिया, कि वर्तमान में कोई भी वायु प्रदूषण नियंत्रण निगरानी करने वाला स्टेशन नहीं है, कहाँ, इन रूरल इंडिया में, मतलब ग्रामीण भारत में इस समय अगर वर्तमान की बात की जाए तो ग्रामीण भारत में कोई भी एक ऐसा स्टेशन नहीं है जो एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग करता हो, ठीक है। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है आउटडोर एयर पॉल्यूशन इज नॉट ए प्रॉब्लम हियर, मतलब इंडोर एयर पॉल्यूशन तो ठीक है, मतलब लेकिन अब हम इंडोर की तो बात करती है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि बाहर जो आउटडोर एयर पॉल्यूशन है इज नॉट ए प्रॉब्लम हियर, कि कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, मतलब आउटडोर एयर पॉल्यूशन भी प्रॉब्लम है, इंडोर तो है ही खाना बनाने के कारण, लेकिन आउटडोर एयर पॉल्यूशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। स्टडीज हैव शोन, मतलब अध्ययन से यह पता लगता है दैट ओजोन लेवल्स आर हायर इन रूरल एरियाज, जो ओजोन का लेवल है ओजोन गैस का, आर हायर इन रूरल एरियाज, वो रूरल के क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, एज इज पॉल्यूशन फ्रॉम द इंसेक्टिसाइड यूज एंड क्रॉप बर्निंग, जितना कि इंसेक्टिसाइड का यूज करने से और क्रॉप को बर्न मतलब फसल को जलाने से जितना पॉल्यूशन होता है उतना ही ज्यादा ओजोन का लेवल भी ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो द WHO हैज आस्क्ड, आगे पढ़ते हैं, द WHO हैज आस्क्ड साउथ एशियन कंट्रीज,
जो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा है साउथ ईस्ट मतलब दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से टू टेक स्विफ्ट एक्शन, की तेज कड़े कदम उठाइए टू टैकल द ट्विन प्रॉब्लम, किनसे टैकल कर निपटने के लिए द ट्विन प्रॉब्लम दोनों समस्याओं से, कैसी समस्याएं ऑफ इंडोर एंड आउटडोर पॉल्यूशन, घर के अंदर की और घर के बाहर की जो पॉल्यूशन की समस्याएं हैं इन दोनों ही समस्याओं से निपटने के लिए तेज कड़े कदम उठाइए, ठीक है। ऐसा कहा है हु ने, किससे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। आगे पढ़ते हैं, इंडिया मस्ट रियलाइज, भारत को ये स्वीकार कर लेना चाहिए, ये महसूस कर लेना चाहिए दैट इट्स प्रॉब्लम, की इसकी जो समस्याएं हैं आर लार्जर, बहुत बड़ी हैं देन द हु इस्टीमेट, जितना कि हु इस्टीमेट अनुमान लगा सकता है, अनुमान जितना कि हु डबल हेल्थ विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुमान लगा सकता है भारत की समस्याएं उससे कहीं ज्यादा हैं, तो ये भारत को स्वीकार कर लेना चाहिए एंड टेक द कॉल टू एक्शन सीरियसली, और आह्वान करना चाहिए टू एक्शन सीरियसली, तेज कड़े कदम उठाने का गंभीरता के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया मस्ट रियलाइज, रियलाइज वर्ब आई मस्ट के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड के बाद टेक फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये चीज ध्यान रखनी होती है आपको, ठीक है। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान दिया करिए, मैं तो बताता ही रहता हूँ, जिस दिन अब तक आप अपने से कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, जहां पर बताया वहां पर ठीक है, जहां नहीं बताया आप ध्यान ही नहीं किए, ये चीज आपको वहां एग्जाम में देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिए कोई बात नहीं, आगे से आप फिर इसी तरह आप प्रयास करते रहिए, एक बार जरूर होगा कि डेफिनेटली आपकी खुद की नजर जाएगी इस पे, है ना, और जहां पर हमने भी नहीं बताया वहां पर भी आप देख पाएंगे, और जब ऐसा करेंगे देखिएगा न्यूज पेपर में आपको गलतियां मिलेंगी, वो चाहे द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, क्योंकि ये लोग ना लैंग्वेज की ग्रामर एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ये लोग क्या होते हैं कि ये मतलब इनको थॉट्स लिखने का सबसे अच्छा तजुर्बा होता है, ये लोग अच्छे से सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, लेकिन अब ग्रामेटिकल एरर्स अगर हो जाती है तो उसमें न्यूज़पेपर का कोई इशू होता नहीं है, वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो क्या ग्रामर एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, वो लैंग्वेज जानते हैं, वो अच्छी खासी फ्लो जानते हैं कि कैसे हमें चीज़ों को प्रस्तुत करना है, तो प्रस्तुत करने का तरीका इनके पास सबसे अच्छा होता है, बट अगर आप सोचें ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, तो वो न्यूज़पेपर में हो सकती है, तो आपको मिलेंगी अगर आप ऐसे नोटिस करते रहेंगे। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसी तरह बीच बीच में हम आपको ऐसे ऐसे एडिटोरियल्स बताते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये WHO की रिपोर्ट आई थी, आपने देखा इंडिया के मतलब वर्ल्ड के टोटल 4,300 कंट्रीज सॉरी सिटीज थी जिनका विश्लेषण करने पर हमको क्या मिला, हमको 20 शहरों टॉप जो ग्लोबल एयर पॉल्यूशन में जो टॉप में 20 सिटीज हैं उनमें से 14 सॉरी जो मतलब 14 का सिटीज कहाँ की है इंडिया की, जिसमें कि छठवें स्थान पे क्या आपको मिला, क्या है दिल्ली मिला है, इसके पहले 5 स्थान फिर पटना वगैरह ये सब है, तो ये सब चीज आपने सीखी और देखा कि 2.5 लेवल के स्टेशन कहाँ पर हैं, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में इस समय कोई भी स्टेशन नहीं है, तो ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल हुई, कम से कम थोड़ा बहुत जानकारी तो मिली आपने, PM क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर, तो ये भी इसके बारे में भी जाना, तो बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर सुनी, प्रोवाइड के साथ पोजिशन भी आता है ये भी आपने जाना, है ना, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो के पीछे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही नॉट ओनली के बाद में होता है ना, तो ये मैच कराना होता है वो भी आपने जाना होगा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी आपने, और फिर बने रहिए हमारे साथ अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।